गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अवर टुडेज टॉपिक इज द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। स्टूडेंट्स, एज यू नो चैप्टर 7 इज गोइंग ऑन विच इज डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो इन टुडेज टॉपिक वी विल स्टडी अबाउट हायरार्की। इसके पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा है इंट्रोडक्शन ऑफ डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, देन the basis of classification and evolution। तो students, इसके बाद हम next topic पढ़ेंगे hierarchy of classification। So firstly there we will see meaning of hierarchy। What is hierarchy? A group that controls an organization and is divided into different levels। Means ऐसा group जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, पूरे संगठन को कंट्रोल करने का काम करता है एंड इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेवल्स, और जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड करने का काम करता है, उसे हम हायरार्की कहते हैं। हायरार्की को ही रैंकिंग भी बोला जा सकता है। रैंकिंग जिसमें हम एग्जाम्पल के लिए देखें, सबसे बड़ी पोस्ट सबसे ऊपर रहती है, उसके नीचे थोड़ी छोटी पोस्ट, फिर थोड़ी और छोटी पोस्ट, इस प्रकार की जो रैंकिंग होती है उसे ही हम हायरार्की कहते हैं। तो आप यहाँ पर हायरार्की का मीनिंग समझ गए हैं। इसके बाद जो ऑर्गेनिजम्स थे उनकी स्टडी को इजी बनाने के लिए, कन्वीनियंट बनाने के लिए, जो बायोलॉजिस्ट थे, कौन कौन से बायोलॉजिस्ट, फर्स्ट रॉबर्ट व्हिटेकर, सेकेंड अर्नेस्ट हैकल एंड थर्ड कार्ल बोस, ये जो साइंटिस्ट थे इनने क्या किया, ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को कन्वीनियंट बनाने के लिए जो ऑर्गेनिजम्स थे उनको ग्रुप और सब ग्रुप में डिवाइड किया, जिससे कि इनकी स्टडी करना इजी हो जाए। इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि यदि हमें किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करना है तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स अर्थ पर प्रेजेंट होते हैं। इनकी स्टडी कन्वीनियंट कैसे हो सकती है यदि इनको किसी ग्रुप में रख दिया जाए, तो फिर क्या होगा, जैसा एक ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टर होगा वैसा ही अदर ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टर होगा। इस प्रकार से इनकी स्टडी कन्वीनियंट हो सकती है। यहाँ पर आपकी बुक में दिया गया है, सबसे पहले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको किंगडम में रखा गया है। एक किंगडम क्या होता है, किंगडम में सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अर्थ पर प्रेजेंट सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, आप जानते हो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्लांट्स भी आते हैं और एनिमल्स भी आते हैं, तो इन सब को सबसे पहले जो वाइड वैरायटी होती है उसको क्या बोला जाता है, किंगडम बोला जाता है। उसके बाद जो किंगडम होता है उसके नीचे देखिए आप, उसके नीचे वाली पोस्ट क्या है, फाइलम एंड डिवीजन। जो फाइलम बर्ड होगा, ये फाइलम बर्ड हम एनिमल के लिए यूज करेंगे और डिवीजन बर्ड को हम प्लांट्स के लिए यूज करेंगे। मींस जो एनिमल का ग्रुप होगा उसके लिए हम फाइलम बर्ड का यूज करेंगे, और जो प्लांट्स का ग्रुप होगा जिनको अलग अलग ग्रुप में रखा जाएगा उनको हम, उनके लिए हम डिवीजन बर्ड का यूज करेंगे। इसके बाद क्या होता है, जो फाइलम और डिवीजन होते हैं इनको क्लास में डिवाइड कर दिया गया। मींस जो इधर पर एनिमल्स का ग्रुप होता है जिनमें थोड़ी कुछ सिमिलरिटीज मिलती हैं, उनको एक अलग अलग क्लास में रख दिया जाता है। तो इन फाइलम या फिर इसी प्रकार से जो प्लांट्स होते हैं इनके डिवीजन को बाद में किस में रखा जाता है, छोटी छोटी क्लास में डिवाइड कर दिया जाता है, जिनमें हमें, जिन एनिमल में या प्लांट्स में थोड़ी बहुत सिमिलरिटीज मिलती हैं उनको क्लास में रख दिया जाता है। उसके बाद जब हम क्लास में रख देते हैं ऑर्गेनिजम्स को, तब भी क्या होता है, उसमें से कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के साथ ज्यादा सिमिलरिटीज रखते हैं और कुछ थोड़े अलग होते हैं। तो जो अदर ऑर्गेनिजम्स के कंपेयर में ज्यादा सिमिलरिटीज रखते हैं उनको ऑर्डर में डिवाइड कर दिया जाता है। इसी प्रकार से फैमिली होती है, फिर जीनस और फिर स्पीसीज आती है। स्पीसीज क्या होता है, कोई इंडिविजुअल पर्सन होता है ना। इंडिविजुअल स्टडी इस प्रकार से की जा सकती है कि वो किस जीनस का है, किस फैमिली का है, किस ऑर्डर का है, किस क्लास का है, किस फाइलम या फिर डिवीजन का है। इस प्रकार से इंडिविजुअल स्पीसीज की हम स्टडी कर सकते हैं। आप इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा जो कंट्री है हमारी,
कंट्री में क्या रहती हैं, बहुत सारी स्टेट होती हैं, कंट्री को किस में डिवाइड किया जाता है, स्टेट में, स्टेट को किस में डिवाइड किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट को सिटी में, सिटी के बाद लोकेलिटी, जहां पर आप रहते हो, किस एरिया में रहते हो, किस शहर में रहते हो, है ना, किस मोहल्ले में रहते हो, वो आपकी लोकेलिटी है। उसके बाद आपका हाउस नंबर आता है, उसके बाद आप इंडिविजुअल जहां पर रहते हो। तो इस प्रकार से क्या हो सकता है, आपकी आइडेंटिटी बनती है या आपको पहचाना जा सकता है। इसी प्रकार से स्पीसीज होती हैं, इनको भी जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम में रखा जाता है। इसकी सबसे जो इसका सबसे लोएस्ट लेवल होता है वो क्या होता है, स्पीसीज होता है, और हाईएस्ट लेवल होता है किंगडम। तो इधर पर आप समझ गए होंगे कि जो हायरार्की होती है वो क्या होती है, एक प्रकार की रैंकिंग होती है, जिसमें ग्रुप को सब ग्रुप में डिवाइड किया जा सकता है, जिससे ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करना आसान होता है। ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को कन्वीनियंट बनाने के लिए कौन कौन से साइंटिस्ट थे, फर्स्ट रॉबर्ट विट्टेकर, सेकंड अर्नेस्ट हैकल, एंड थर्ड कार्ल बोस। इनने क्या किया, ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट डिफरेंट लेवल में कैटेगराइज कर दिया, जिससे इनकी स्टडी इजी हो गई। तो आपने इधर पर देखा क्या होता है, इसका हाईएस्ट लेवल किंगडम, देन फाइलम एंड डिवीजन, देन क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस, देन स्पीसीज। इसको मैंने आपको इस एग्जांपल से समझा दिया है। तो स्टूडेंट्स, ए टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है, द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। सो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इंटू फाइव किंगडम्स। मीन्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अर्थ पर प्रेजेंट होते हैं, उन सारे ऑर्गेनिजम्स को फाइव डिफरेंट किंगडम में रखा गया है। फर्स्ट किंगडम यहाँ पर दिया गया है मोनेरा किंगडम, सेकंड प्रोटिस्टा किंगडम, थर्ड फंगी किंगडम, फोर्थ प्लांटी किंगडम, एंड फिफ्थ एनिमिलिया किंगडम। तो स्टूडेंट्स, हमने इसके पहले भी देखा था, व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, इन अलग अलग किंगडम में किस बेसिस पर रखा गया है ऑर्गेनिजम्स को, इनके बॉडी स्ट्रक्चर के बेस पर, सेल्यूलरिटी के बेस पर, मींस यूनिसेल्यूलर हैं या फिर मल्टीसेल्यूलर हैं, प्रोकैरियोटिक हैं या यूकैरियोटिक हैं, इसके साथ ही मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पर, मींस हेटरोट्रॉपिक हैं या फिर ऑटोट्रॉपिक हैं। ये बेसिस थे क्या क्लासिफिकेशन के, तो इनके बेस पर इनको अलग अलग किंगडम में रखा गया है। अब हम स्टडी करेंगे कि जो अलग अलग किंगडम यहाँ पर दिए गए हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो जो फर्स्ट किंगडम हम देखेंगे मोनेरा किंगडम, इसमें जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनका बॉडी स्ट्रक्चर क्या रहेगा, बहुत ज्यादा सिंपल होगा, ठीक है। जैसे जैसे आगे हम किंगडम में बढ़ते जाएंगे और लास्ट किंगडम एनिमिलिया किंगडम आएगा, इस किंगडम के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। मीन्स जो हम इधर पर किंगडम पढ़ेंगे, इनमें क्या होगा, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी बॉडी की। फर्स्ट किंगडम में आने वाले ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा सिंपल रहेंगे, फिर थोड़ा उनमें चेंज आएगा प्रोटिस्टा में, फिर फंगी में, फिर प्लांटी में, देन एनिमिलिया में आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर रखेंगे। अब वन बाय वन हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट किंगडम यहाँ पर मोनेरा दिया गया है, मोनेरा किंगडम के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर दिया है यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। मीन्स मोनेरा किंगडम में आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी सिर्फ एक ही सेल से बनी होती है, इसलिए उनको क्या बोला गया है, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। सेकंड दिया गया है, सम ऑफ देम हैव सेल वॉल्स व्हाइल सम डू नॉट। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं मोनेरा किंगडम में आने वाले जिनकी बॉडी में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी बॉडी में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मींस मोनेरा किंगडम में आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना फूड या तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू खुद ही बना लेते हैं, या कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं। इस प्रकार के ऑर्गेनिजम्स को या इस प्रकार के न्यूट्रिशन को हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। फोर्थ दिया गया है यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल। आप जानते हैं प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है,
मोनेरा किंगडम में आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी सेल मोस्टली या हम बोले प्रोकैरियोटिक सेल ही होती है। तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, जिसमें सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं और न्यूक्लियस भी ठीक तरह से प्रेजेंट नहीं होता है। तो यहाँ पर हमने मोनेरा के कैरेक्टरिस्टिक देखे हैं, इनकी सेल यूनिसेल्यूलर होती हैं, प्रोकैरियोटिक होती हैं, इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक या हेटरोट्रॉपिक होता है और इनकी बॉडी में सेल वॉल प्रेजेंट भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। इसका एक एग्जांपल यहाँ पर बैक्टीरिया दिया गया है, जो बैक्टीरिया होता है इसकी सेल प्रोकैरियोटिक होती है और यूनिसेल्यूलर होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोटिस्टा किंगडम के कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रोटिस्टा किंगडम की जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी सेल भी कैसी होती है, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, मीन्स इनकी बॉडी में भी एक ही सेल पाई जाती है या इनकी बॉडी एक ही सेल से मिलकर बनी होती है। पर इधर पर डिफरेंट ये है कि इनकी सेल कैसी होती है, यूकैरियोटिक सेल। इधर पर हमने पढ़ा था मोनेरा किंगडम की सेल प्रोकैरियोटिक होती है, मीन्स जिसमें सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं थे, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था। पर प्रोटिस्टा किंगडम की सेल कैसी होती है, यूकैरियोटिक सेल होती है, मीन्स इसमें सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। तो इसकी सेल कैसी होती है, यूकैरियोटिक होती है। थर्ड दिया है ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक, मीन्स ये भी क्या होते हैं, या तो अपना फूड फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू खुद ही प्रिपेयर कर लेते हैं, या कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो अपने फूड मटेरियल के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं, इन्हें हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स, या इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो हेटरोट्रॉपिक होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इधर पर डिफरेंट क्या है, इनकी सेल भी यूनिसेल्यूलर है, प्रोटिस्टा की भी यूनिसेल्यूलर है, पर इसके अलावा ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी मोनेरा में भी है और प्रोटिस्टा में भी है। पर जो सेल है मोनेरा की कैसी है, प्रोकैरियोटिक सेल है, अनडेवलप्ड सेल है। पर जो प्रोटिस्टा में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनकी सेल यूकैरियोटिक होती है, मीन्स डेवलप सेल होती है। इसके एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं अमीबा, पैरामेशियम, युगलीना। आपने पढ़ा है अमीबा क्या है, सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है जिसमें अपनी लाइफ प्रोसेसेस कंप्लीट करने के लिए सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इस किंगडम में पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी पर क्या पाए जाते हैं, जैसे पैरामेशियम का एग्जांपल लें तो इसमें छोटे छोटे जो आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, सीलिया बोलते हैं। ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं पैरामेशियम में, इनको सीलिया बोला जाता है। सीलिया क्या करते हैं, मूवमेंट में हेल्पफुल होते हैं। जो हमने मोनेरा किंगडम में देखे थे ऑर्गेनिजम्स ये मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, पर जो पैरामेशियम होता है प्रोटिस्टा किंगडम में आने वाला ये क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, किसके थ्रू, सीलिया के थ्रू। इसके अलावा एक युगलीना भी होता है, युगलीना में क्या पाई जाती है, युगलीना में एक जो आपको टेल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा आपकी बुक में भी आप देख सकते हो, इस टेल लाइक स्ट्रक्चर को ही हम फ्लैजिला बोलते हैं। इस फ्लैजिला की हेल्प से जो युगलीना होता है वो मूवमेंट कर सकता है। तो स्टूडेंट्स अभी हमने इधर पर दो किंगडम के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हैं, फर्स्ट मोनेरा के एंड सेकंड प्रोटिस्टा के। देन हम देखेंगे कि जो फंगी होता है, फंगी किंगडम में आने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट किंगडम हम पढ़ेंगे फंगी किंगडम। यहाँ पर हम फंगी किंगडम के कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। फर्स्ट दिया गया है हेटरोट्रॉपिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, मींस इस किंगडम में आने वाले ऑर्गेनिजम्स हेटरोट्रॉपिक होते हैं, अपना फूड मटेरियल दूसरे एनिमल्स से या अदर ऑर्गेनिजम्स से ऑब्टेन करते हैं। एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, यूकैरियोटिक का मीनिंग आप जानते हो, ऐसी सेल प्रेजेंट होती हैं इनकी बॉडी में जिनमें सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, साथ ही न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। सेकंड दिया गया है दे आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स, इन्हें सेप्रोफाइट्स कहा जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेप्रोफाइट्स, सेप्रोफाइट्स का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स की डेड बॉडी को खाते हैं, उन्हें सेप्रोफाइट्स कहा जाता है। तो फंगी क्या होते हैं, इन्हें सेप्रोफाइट्स भी कहा जाता है।
थर्ड दिया गया है कैपेसिटी टू बिकम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, मीन्स ये अपनी लाइफ की कुछ स्टेज में मल्टी सेल्यूलर भी बन सकते हैं, फंगी किंगडम में आने वाले ऑर्गेनिजम्स। फोर्थ दिया गया है सेल वॉल्स मेड ऑफ अ टफ कॉम्प्लेक्स सुगर कॉल्ड काइटिन। फंगी किंगडम में आने वाले ऑर्गेनिजम्स की जो सेल वॉल होती है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर साइड पाई जाती है इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ये सेल वॉल टफ कॉम्प्लेक्स सुगर काइटिन की बनी होती है। फिफ्थ दिया गया है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। फंगी किंगडम में आने वाले ऑर्गेनिजम्स सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में भी रहते हैं। सिम्बायोटिक मीन्स साथ साथ रहकर अपनी लाइफ सर्वाइव करना। इसका एक एग्जाम्पल लाइकेन्स दिया गया है। लाइकेन्स में एल्गी एंड फंगी साथ साथ रहकर अपनी लाइफ सर्वाइव करते हैं, एक अपने फूड मटेरियल के लिए एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। इसका एग्जाम्पल लाइकेन्स दिया गया है। इसके अलावा फंगी किंगडम में आने वाले अदर ऑर्गेनिजम्स लाइक दैट ईस्ट मशरूम होते हैं। फोर्थ हम देखेंगे प्लांटी किंगडम के कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट दिया गया है मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट्स विथ सेल वॉल, मीन्स मल्टी सेल्यूलर मीन्स जो प्लांटी किंगडम होता है इसमें आने वाले जो प्लांट्स होते हैं इनकी बॉडी मल्टी सेल्यूलर होती है, बहुत सारी सेल से मिलकर बनी होती है। जैसा कि हमने सेल स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में भी देखा था, जब हमने सेल की स्लाइड प्लांट की स्लाइड बनाई थी ओनियन पील की, तब हमने देखा था कि उसमें हमें बहुत सारी सेल दिखाई देती हैं। तो उसी का मीनिंग होता है मल्टी सेल्यूलर, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने हैं उन्हें मल्टी सेल्यूलर कहते हैं। इसके बाद दिया गया है यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स मींस होता है ऐसी सेल जिसमें सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हो, न्यूक्लियस प्रेजेंट हो। सेकंड दिया गया है ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स क्या कहलाते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं। प्लांटी किंगडम में आने वाले क्या होते हैं? प्लांटी से आपको इसके नेम से ही सो हो रहा है, ऑल प्लांट्स आर इंक्लूडेड। सारे प्लांट्स जो होते हैं, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, वो किसमें आते हैं? प्लांटी किंगडम में आते हैं। और आप जानते हो कि जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू अपना फूड खुद से बनाते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? ऑटोट्रॉप्स बोला जाता है। फिफ्थ यहां पर दिया गया है एनिमेलिया किंगडम। एनिमेलिया किंगडम में सारे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी मल्टी सेल्यूलर होती है, मीन्स एक से ज्यादा सेल से मिलकर बनी होती है, इनकी सेल जो मल्टी सेल्यूलर होती है, जो एनिमेलिया किंगडम में आने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनकी सेल यूकैरियोट्स होती है, मींस सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, बट विथाउट सेल वॉल। आप जानते हो कि जो एनिमल सेल होती है उनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ये सेल वॉल किस में पाई जाती है? प्लांटी किंगडम में पाई जाती है। सेकेंड दिया गया कैरेक्टरिस्टिक्स हेटरोट्रॉप्स, मीन्स आप जानते हो जो एनिमल होते हैं अपने फूड मटेरियल के लिए दूसरे एनिमल पर या प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? हेटरोट्रॉप्स बोला जाता है। एग्जाम्पल इसमें दिया गया पाइसिस, एम्फीबिया, रेप्टेलिया, एवीज, मैमेलिया। ये सारे जो क्लास दिए गए हैं वो किस में आते हैं? एनिमेलिया किंगडम में आते हैं। इनका क्लासिफिकेशन और डिटेल स्टडी हम आगे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने 5 किंगडम देखे हैं और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हैं। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।